नमस्कार, मैं अक्षय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं भारत टाइम न्यूज में। सेना में भर्ती होने से पूर्व कोविड टेस्ट कराने के लिए उमड़े अभ्यर्थी। ब्यावर सेना में भर्ती होने का सपना लिए सैकड़ों युवकों का हुजूम इन दिनों जोश खरोश में लगा हुआ है। सेना में भाग लेने से पहले अभ्यर्थी की RT-PCR नेगेटिव जांच होना जरूरी है। इसी वजह से ब्यावर अमृत कौर अस्पताल में COVID-19 के लिए दो दिन से सैकड़ों युवकों का हुजूम अमृत कौर अस्पताल में उमड़ रहा है। युवकों की भीड़ आउटडोर कॉरिडोर से लेकर जांच कराने के लिए लैब तक की बड़ी संख्या में मौजूद थी। युवकों को सवेरे 6 बजे से लंबी लाइन में लगना शुरू हो गया था। कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अभ्यर्थियों ने बताया कि यहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। भीड़ को देखते हुए काउंटर 2 होने चाहिए थे। ऐसी भीड़ को देखते हुए नया गाँव मसूदा से आया हूँ, कोरोना रिपोर्ट के लिए 5 AM से खड़ा हूँ यहाँ पर, और कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर। कायड अजमेर स्थली जो भर्ती होने जा रही 21 तारीख को, वहाँ कितनी तारीख को भर्ती है? 21 तारीख को है कायड अजमेर, तो वहाँ पर यहाँ 400-500 बंदा है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की व्यवस्था, ना सोशल पालन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 4-5 काउंटर होने चाहिए। कल भी आया था मगर यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हो रहा, उन्हें काउंटर है बंदे यहाँ पर 5 बजे से यहाँ से खड़े हैं। नहीं लगता कि एक दिन में हमारा नंबर आ जाएगा। कोरोना जांच कराने के लिए अभ्यर्थी ब्यावर मसूदा उपखंड के आसपास से पहुंच रहे हैं। सुमन प्रजापति की खास रिपोर्ट।